हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी EVS का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एक वर्ड आया रिसोर्स, क्या आया? रिसोर्स मतलब जो हम लोग को कुदरत से मिलता है, राइट? तो रिसोर्स दो टाइप का दिया, लाइक नेचुरल और एक ह्यूमन। नेचुरल जो कुदरत का देन है, ह्यूमन जो इंसान ने बनाया, राइट? तो अभी इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आपको ना पहले रिसोर्स का मीनिंग डाल देना पड़ेगा, डायग्राम बना देना। डायग्राम बना देने का सबके ऊपर दो दो तीन तीन लाइन डाल देने का, दो पेज घसीट देने का, अच्छा खासा मार्क्स दे देगी टीचर। ओके, तो रिसोर्स विच आर अवेलेबल इन नेचर, जो हम लोग अबंडेंट में, तो नेचर आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? जो नेचर बेस है, जो कुदरत से मिला है, वो फ्री में मिला अपने को, राइट? ह्यूमन जो इंसान ने बनाया। तो इंसान ने क्या क्या बनाया पहले वो पढ़ लेते हैं। ह्यूमन में क्या आ गया? पॉपुलेशन आ गया। क्या आ गया? लार्ज स्मॉल, ज़्यादा पॉपुलेशन कम पॉपुलेशन, लिटरेट इलिटरेट, है ना? लिटरेट पढ़ा लिखा जो ऑफिस में काम करेगा, इलिटरेट लेबर वर्क काम करता है, स्किल्ड जिसके पास कोई जॉब का हुनर है, अनस्किल्ड। तो ये हो गया ह्यूमंस। क्या हो गया? तो ये ह्यूमंस हो गया। अभी बेसिकली अपने को फोकस इस पे करना है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या अलग अलग टाइप्स दिए हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल। तो लैंड मतलब ज़मीन होता है। तो ज़मीन के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? मिनरल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? धातु जो ज़मीन के अंदर मिलता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, ओर्स। ज़मीन के नीचे क्या मिलेगा अपने को? कोल मिलेगा, है ना, राइट? सॉइल, सॉइल बोले तो मिट्टी हो गया ना ज़मीन पे। तो सॉइल क्या है? एक मिट्टी होता है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर होता है, राइट? एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉरेस्ट। और लैंडस्केप मतलब ब्यूटी, ज़मीन। तो जो ज़मीन होती है वो तुमको समुद्र के किनारे मिलेगा। तो लोग घूमने जाते हैं ना कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र का किनारा। और माउंटेन्स मतलब पहाड़, हिली एरियन, वेस्टर्न घाट, पूरा अपना महाराष्ट्र देखो ना, अलग अलग घाट से, माथेरान, महाबलेश्वर, माउंटेन्स, हिली, वो भी इसका ही पार्ट है लैंड का। ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब बर्फ, ग्लेशियर मतलब। और वैली मतलब होता है, बजरंगी भाईजान पिक्चर देखा रहेगा, वो पहाड़ रहता है उसके बाजू में, नहीं क्या थोड़ी नदी बहती है, तो पहाड़ मतलब ढलान वाला पहाड़ होता है ना, वैलीज बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? वैली। तो ये सब लैंड हो गया। क्या हो गया? तो ज़मीन। वाटर भी एक रिसोर्स है जो हम लोग को नेचर से मिलता है, हम लोग कोई थोड़ी दुकान में थोड़ी मिलता है। तो वाटर दो टाइप दिया, फ्रेश और सलाइन। फ्रेश मतलब पीने का पानी। तो पीने का पानी कहाँ मिलेगा? कुएं में, नदी में, पॉन्ड्स में, डैम्स में, है ना, नल में, तेरे घर पे भी मिलेगा। राइट, राइट बोला उसने। तो नल का पानी भी कहा जाता है भाई, है ना, पॉन्ड्स वो सबसे ज्यादा है। सेलाइन मतलब होता है सॉल्टी वाटर। क्या होता है? सॉल्टी, समुद्र बोल सकते हैं, है ना। तो पानी है, आग बुझाने काम आएगा, पर पीने के लिए काम नहीं आएगा, राइट? सेलाइन वाटर है ना, मरीन लाइन्स, जूहू चौपाटी, है ना, तो अरब सागर, ये सब सेलाइन वाटर होता है। तो पानी की हम लोग ने शक्ल पड़े, फ्रेश एंड सेलाइन। नेक्स्ट दिया है एयर। एयर क्या होता है? हवा होता है, जो गैसियस होता है, जो हमारे एटमोसफियर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एटमोसफियर। फिर प्लांट्स डाल देंगे ना, प्लांट्स में फॉरेस्ट आ गया, राइट, जंगल आ गया, तो फॉरेस्ट घना होता है, राइट। ग्रास आ गया, जो ग्रास किसके लिए काम आता है मालूम है क्या? एनिमल्स का, राइट, गाय, भैंस, बकरी, है ना। और श्रब्स, छोटे मोटे झाड़, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में जो कांटे वाले झाड़ होते हैं ना, वो सब प्लांट्स के अंदर आ गया। फिर एनिमल भी एक नेचुरल रिसोर्स है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। क्या आ गया? वाइल्ड लाइफ, शेर, चीता, राइट, जो मांस खाने वाले जानवर है, मतलब जंगल में गए तो खत्म अपन, है ना, डिस्कवरी में जो देखे ना, वाइल्ड लाइफ एनिमल है। फिर एक होता है बर्ड्स। क्या होता है? पंछी के बारे में। फिशरीज मतलब समुद्र के अंदर जो मच्छी है, राइट, शार्क, वेल। तो ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो गया? तो अच्छे से डायग्राम बनाने का शॉर्ट में। अब मेन और आंसर स्टार्ट हुआ, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? द रिसोर्स विच कैन नॉट बी एग्जॉस्ट, जो कभी खत्म नहीं होएगा, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा, वो रिसोर्स तुमको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। द रिसोर्स विल नॉट एग्जस्ट, लाइक सोलर एनर्जी का, सोलर रेडिएशन, सूरज की शक्ति कभी कम होगी क्या? नहीं। विंड पावर, हवा चलता रहेगा ना यार। बाद में दिया है वाटर पावर, मतलब जो बहती नदी है उससे वाटर बहती नदी, डैम लगा के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो बहता पानी वो भी खत्म नहीं होगा। टाइडल पावर क्या पड़ा है? समुद्र की लहर से भी एनर्जी जनरेट होता है, वो भी पढ़ेंगे। और हवा, पानी, ये सब किसके एग्जांपल है? इनएग्जॉस्टिबल, जो कभी खत्म नहीं, नेवर एग्जॉस्टेड। और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स वो है जो यूज़ करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, और वो और दुनिया में वो लिमिटेड क्वांटिटी में, कितनी क्वांटिटी में? ज़्यादा नहीं, जैसे कोल, कोयला हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, गल्फ कंट्री के पास, दुबई के पास तेल है ना, तो आने वाले 100 साल में ख़त्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर जितना तेल बचेगा उसके लिए लड़ाई होगी फ्यूचर में। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो लिमिटेड है, क्या है? इट विल बी एग्जॉस्ट सून, जो कभी ना कभी क्या होएगा? खत्म होएगा। और ये पढ़ाई बचपन में भी कर लिए भाई, बचपन का प्यारा है ना गाना, वैसे ये बचपन वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्स, और एक है नॉन रिन्यूएबल। तो एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज रिसाइकल, उसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, वापस इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, एंड रिप्लेस
बाय नेचर एज टर्म एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो रिन्यूएबल रिसोर्स आर रिप्लेस थ्रू नेचुरल प्रोसेस. कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उसको? नेचुरल रिसोर्स मतलब उसको वापस इस्तेमाल में लेके आना. और नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार इस्तेमाल किया तो खत्म हो जाएगा. पेट्रोल डाला गाड़ी में, इधर से कुरला गए, कुरला से थाने गए, एक लीटर का पेट्रोल खत्म ना, या तो धक्का मार गया या तो वापस से पेट्रोल डालो. तो रिसोर्स जो खत्म हो जाएगा उसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं. कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है बनाने में, एक झटका लगता है खत्म होने में, है ना. मेटल्स, डायमंड, ये सब क्या है? लिमिटेड है, जो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते. नेचुरल रिसोर्स दैट कैनॉट बी रिप्लेस बाय नेचर एंड दैट आर यूजेबल मोर क्विकली, और जो तुरंत इस्तेमाल करके खत्म हो जाता है, राइट. और रिन्यूएबल विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. तो ये तुम्हारा हो गया. तो रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल क्या है? हवा, पानी, सॉइल, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना बार बार, तो रिन्यूएबल हो गया. क्या हो गया? मिनरल ऑयल, है ना, पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब नॉन रिन्यूएबल है. एक बार यूज़ करेंगे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. एग्जॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? खत्म. तो अपने टॉपिक का बड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, क्या बड़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. ओके, तो अलग अलग टाइप के रिसोर्स से तुमने रिवाइज कर लिया, ठीक है. तो और क्या कुछ करा सकते हो क्या? तो ये आंसर तुम्हारा हो गया, ठीक है. अच्छा खासा करा दिया है. एग्जाम में आएगा तो अपन लिख सकते हैं. पेज नंबर 44 है, बाद में स्क्रीनशॉट डाल देना ग्रुप में. थैंक यू वेरी मच.